फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। नमस्कार, सुविज्ञा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पुनः कक्षा 7वीं की संस्कृत का जो 20वां पाठ है, इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है योगः स्वास्थ्यस्य साधनम्। तो योग के विषय में इस पाठ में बताया गया है कि योग से किस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और क्या क्या योग के द्वारा लाभ हैं, उन लाभों को भी यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इस पाठ को पढ़ना है और एक एक शब्द को देखते चलना है। योगः स्वास्थ्यस्य साधनम्। योगः मतलब होता है योग, योगासन प्राणायाम आपने सुने होंगे। स्वास्थ्यस्य मतलब स्वास्थ्य का, साधनम मतलब साधन। तो जो योग है वह स्वास्थ्य का साधन है। और आप लोग अपने ये वीडियोस अन्य मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुंचाएं। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वच्छात्राम स्वलाभाम अपृच्छत्। क्या कह रहे हैं? संस्कृत शिक्षिका, संस्कृत शिक्षिका मतलब संस्कृत की टीचर, विद्यावती जिनका नाम विद्यावती है, स्वच्छात्राम, स्व मतलब होता है अपनी, छात्रा मतलब छात्रा, तो अपनी छात्रा से, छात्रा का नाम क्या है? सुलभाम। छात्रा का नाम है सुलभा, तो अपनी छात्रा सुलभा से अपृच्छत मतलब पूछा। क्या कह रहे हैं? संस्कृत की शिक्षिका विद्यावती ने अपनी छात्रा सुलभा से पूछा। क्या पूछा? विद्यावती बोल रही हैं, सुलभे ह्यः त्वं कक्षायाम् उपस्थिता न आसीः, किं कारणम्? सुलभे, विद्यावती क्या बोल रही हैं, पूछ रही हैं सुलभा से। सुलभे, सुलभे मतलब सुलभा, अरे सुलभे, ह्यः, ह्यः मतलब कल, त्वं, त्वं मतलब तुम, कक्षायाम मतलब कक्षा में, उपस्थिता, उपस्थिता मतलब उपस्थित, ना मतलब नहीं, आशीह मतलब थी। तो जो यह मतलब होता है बीता हुआ कल, यह मतलब जो कल निकल गया है उसे बोलते हैं यह, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह। तो विद्यावती पूछ रही हैं, सुलभे कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थी। सुलभा बोल रही है, महोदये रात्रौ मम उदर पीड़ा आसीत। रात्रौ, रात्रौ मतलब होता है रात्रि में, मम मतलब मेरे, उदर पीड़ा, उदर मतलब होता है पेट और पीड़ा मतलब होता है दर्द, आसीत मतलब था। तो हे शिक्षिका या महोदय, रात्रि में मेरे पेट में दर्द था। गत सप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीड़िता आसम। गत सप्ताहे, गत सप्ताहे मतलब पिछले हफ्ते, पिछले सप्ताह, अपि मतलब भी, अनेन ऐव, अनेन एव, क्या लिखा हुआ है, दो शब्द हैं अनेन और एव, तो अनेन मतलब होता है इस, एव मतलब ही, कारणेन मतलब कारण से, पीड़िता मतलब पीड़ित, आसम मतलब थे। क्या कह रहे हैं? कि पिछले सप्ताह भी इसी कारण से या फिर पेट के दर्द से ही मैं क्या थी, पीड़ित, तो पिछले सप्ताह भी इसी कारण से पीड़ित थी, मतलब पेट दर्द से पीड़ित थी, कदाचित ज्वरः वर्तते। क्या कह रहे हैं? कदाचित ज्वरः वर्तते मतलब, कदाचित मतलब होता है शायद, ज्वरः मतलब होता है बुखार, वर्तते मतलब कहा है, तो शायद बुखार भी है। अन्नपचनम सम्यक नास्ति, अन्न मतलब होता है भोजन, पचन मतलब पचना, सम्यक मतलब होता है ठीक और नास्ति मतलब नहीं, तो भोजन का पचना भी ठीक नहीं है, मतलब अन्न भी सही तरह से नहीं पच रहा है। क्षुधा भावः सदैव अस्ति, क्षुधा, क्षुधा भावः, क्षुधा मतलब होता है भूख, सदैव मतलब हमेशा, और भाव मतलब होता है लगना, अस्ति मतलब है, तो जो भूख है वो हमेशा लगी रहती है। पूरा देख लेते हैं, सुलभा क्या कह रही है, महोदये रात में मेरे पेट में दर्द था, पिछले सप्ताह भी इसी कारण से मैं पीड़ित थी, बुखार भी है शायद,
अन्न सही नहीं पच रहा है और सदैव भूख सी लग रही है। अब विद्यावती, विद्यावती बोल रही हैं, एतत् चिंतनीयम् वैद्यस्य किम् अभिमतम्। क्या बोल रही हैं? एतत् मतलब यह, चिंतनीयम्, चिंतनीय मतलब सोचने लायक है, यह तो विचारणीय बात है, चिंता की बात है। वैद्यस्य, वैद्य मतलब होता है डॉक्टर, किम मतलब होता है क्या, अभिमतम मतलब सलाह। तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी, यह चिंता की बात है। डॉक्टर की क्या सलाह है, डॉक्टर का क्या मत है, क्या कहा डॉक्टर ने इस बारे में। सुलभा बोल रही है, सुलभा, वैद्यः औषध योजनाम करोति। वैद्यः, वैद्यः मतलब होता है डॉक्टर। औषध योजनाम, औषध मतलब होता है औषधि, औषधि, और योजनाम मतलब तैयार करके, करोति मतलब करता है। तो क्या कह रहे हैं, जो डॉक्टर है वो दवा देता है, दवा मतलब दवाई। किंतु स्थगिते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति, किंतु लेकिन, स्थगिते, स्थगिते मतलब रुक जाने पर, औषधे मतलब औषधि के, पुनः मतलब बाद में, पीड़ा मतलब दर्द, प्रादुर्भवति मतलब उत्पन्न हो जाता है। तो शुल्भा कह रही है कि जो डॉक्टर है वो दवा देता है, किंतु जब दवाई बंद की जाती है तो पेट में दर्द पुनः शुरू हो जाता है। ना जाने किम कर्तव्य मिति धिगस्तु रुग्ण जीवनम, ना जाने किम कर्तव्य मिति। तो क्या कह रही है, ना मतलब नहीं, जाने मतलब जाने, किम मतलब क्या, कर्तव्य मिति, कर्तव्य मिति मतलब करूं, तो ना जाने क्या करूं। धिक अस्तु, धिक अस्तु मतलब धिक्कार है। रुग्ण जीवनम, रुग्ण मतलब होता है रोगी, जीवनम मतलब होता है जीवन, तो धिक्कार है रोगी के जीवन को, ना जाने क्या करूं, धिक्कार है इस रोगी के जीवन को, सुलभा कह रही है। अब विद्यावती फिर से बोलती हैं, यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति तदा योगोपचारः कर्तव्यः। यदा, यदा मतलब होता है जब, औषध सेवनम, औषध सेवनम मतलब औषधि का सेवन, रोगान मतलब रोगों से या रोगों को, ना उन्मूलयति तो रोगान मतलब रोगों को, ना मतलब नहीं, उन्मूलयति मतलब नष्ट करता है। तदा, तदा मतलब तब, योगोपचारः कर्तव्यः, योगोपचारः मतलब योग का उपचार, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। जब औषधि लेने से रोग सही नहीं हो रहा है या फिर रोग नहीं जाता है तो योग का उपचार किया जाता है, ये कह रही हैं। योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिकायाः मार्गदर्शनं स्वीकुरु। क्या कह रही हैं, योग कक्षा मतलब योग की कक्षा में, गत्वा मतलब जाकर, योग की कक्षा में जाकर, योग शिक्षिकायाम, योग शिक्षिकायाम मतलब जो योग की शिक्षिका है उनसे क्या करो, मार्गदर्शनम सुईकुरु, मार्गदर्शनम मतलब मार्गदर्शन, सुईकुरु मतलब ग्रहण करो। तो क्या कह रही हैं, योग की कक्षा में जाकर जो योग की शिक्षिका है उनसे सलाह लो। तो सा चिकित्साम करिष्यति, सा मतलब वह, चिकित्सा मतलब इलाज, करिष्यति मतलब करेंगी, वह इलाज करेंगी। अब पुनः सुलभा बोल रही है, महोदये योग मार्गः तु संन्यासिनां मार्गः, संसार त्यागा न इच्छामि, अहम् छात्रास्मि। महोदये, महोदये मतलब शिक्षिका, योग मार्गः, योग मार्गः मतलब योग का रास्ता, तु मतलब तो, संन्यासिनां मार्गः, संन्यासिनां मतलब संन्यासियों का, मार्गः मतलब मार्ग, जो योग का रास्ता है वो तो सन्यासियों का रास्ता है। और संसार त्यागम ना इच्छामि, संसार त्यागम मतलब संसार के त्याग की, ना मतलब नहीं, इच्छामि मतलब इच्छा, मेरी संसार त्याग करने की इच्छा नहीं है, अहम छात्रा अस्मि, मैं तो अभी छात्रा हूँ। तो सुलभा क्या कह रही है, महोदये योग का रास्ता तो सन्यासियों का रास्ता है, संसार को नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी छात्रा हूँ। अब विद्यावती कह रही हैं, क्या कहती हैं विद्यावती, न एतत् योगेन शरीरम चित्त
तम अपि स्वास्थ्यम भवति, स्वस्थम भवति। न एतत्, न मतलब नहीं, एतत् ऐसा, ऐसा नहीं है। योगेन, योगेन मतलब योग से, शरीरम मतलब शरीर, ए चित्तम मतलब चित्त, अपि मतलब भी, स्वस्थम मतलब स्वस्थ, भवति मतलब होता है, मतलब योग से शरीर एवं ध्यान से, चित्तम मतलब होता है मन, तो योग से शरीर एवं मन, शरीर और मन भी स्वस्थ होता है। अपि मतलब भी, क्या कर रहे हैं, न एतत्, ऐसा नहीं है, योग से शरीर और मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए क्या कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए पंक्ति कही गई है खलु, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर निश्चय ही धर्म का पहला साधन है। इति वचनम प्रसिद्धम, इति प्रसिद्धम वचनम, यह जो वचन है ये प्रसिद्ध है। स्वस्थे शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, शरीरे मतलब शरीर में, अध्ययनम मतलब अध्ययन, सुकरम मतलब अच्छा, भवति मतलब होता है, तो स्वस्थ्य शरीर में अध्ययन भी बहुत अच्छा होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, तेन मतलब उससे, चित्तस्य मतलब चित्र की, चित्त की, मन की, एकाग्रता मतलब एकाग्रता, भवति मतलब होती है, और उससे मन की एकाग्रता होती है। आगे क्या कह रहे हैं, कार्य कौशलम जायते, कार्य मतलब कार्यों में, कौशलम मतलब कुशलता, जायते मतलब होती है, कार्यों में कुशलता होती है, कार्य और बहुत जल्दी होते हैं, उनको करने में मन लगता है, ये कह रहे हैं। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभाः संभवन्ति, योगस्य मतलब योग के, अभ्यासेन मतलब अभ्यास से, अनेके, अनेके मतलब बहुत सारे, लाभाः मतलब लाभ, संभवन्ति, संभवन्ति मतलब होते हैं। पूरा देख लेते हैं क्या कहा, ऐसा नहीं है, योग से शरीर एवं मन भी स्वस्थ होता है, शरीर निश्चय ही धर्म का पहला साधन है, ऐसा प्रसिद्ध है, लेकिन स्वस्थ शरीर रहने पर पढ़ाई सरल होती है, और क्या क्या होता है, तो उसमें मन की एकाग्रता होती है, कार्य में कुशलता होती है, और योग के अभ्यास से ही अनेक लाभ होते हैं, ये कहा। अन्यस्मिन् दिने शुलभा योग कक्षाम गत्वा योग शिक्षिकाम शारदाम मिलितवती, अब यहाँ पर्दे के पीछे से कहा जा रहा है कि अन्यानि दिने सुलभा, अन्यानि मतलब दूसरे दिन, सुलभा मतलब शुलभा, योग कक्षाम मतलब योग कक्षा में, गत्वा मतलब जाकर, योग शिक्षिका मतलब जो योग की शिक्षिका है, शारदा मतलब शारदा, उनसे मिलितवती मतलब मिलती है, दूसरे दिन सुलभा योग कक्षा में जाकर जो योग शिक्षिका शारदा है उनसे मिली। अब क्या हुआ आगे, सुलभा बोल रही है, सुलभा नमस्ते भगवती, नमस्ते भगवती मतलब नमस्कार, नमस्ते मतलब होता है नमस्कार, और भगवती मतलब भगवती, और एक आदर के लिए भी ये शब्द अपन प्रयोग कर सकते हैं, भगवती इसलिए किया हुआ है श्रेष्ठता के लिए, शिक्षिका है तो शिक्षिका और छात्र के संबंध में इस प्रकार से ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अहम सुलभा, अहम मतलब मैं, सुलभा मतलब सुलभा, नमस्ते शिक्षिका महोदया या फिर भगवती, मैं सुलभा हूँ, मम शिक्षिका विद्यावती भवतीम मेलितुम माम समादिशत, क्या कह रहे हैं, मम शिक्षिका विद्यावती, मम मतलब मेरी, शिक्षिका मतलब शिक्षिका, विद्यावती मतलब विद्यावती ने क्या किया, मम शिक्षिका विद्यावती भवती, भवती मतलब आपसे, भवतीम मतलब आपसे, भवतीम दिया हुआ है आपसे, मेलितुम मतलब मिलने को, माम मतलब मुझे, और समादिशत मतलब कहा है, तो मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने को मुझसे कहा है। आगे क्या कहा, अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि, अहम मतलब होता है मैं, उदर रोगेण मतलब उदर रोग से, पीड़िता मतलब पीड़ित, अस्मि मतलब हूँ, मैं उदर रोग से पीड़ित हूँ, अतः योगोपचारः इच्छामि, मैं उदर रोग से पीड़ित हूँ, अतः योग का उपचार चाहती हूँ, सुलभा कह रही है। अब जो शिक्षिका शारदा है, योग की शिक्षिका, वो कहती हैं, स्वागतम प्रविशत, प्रविश कक्षाम,
स्वागतम मतलब स्वागत है तुम्हारा, प्रवेश कक्षा मतलब कक्षा में प्रवेश करो या फिर कक्षा में अंदर आओ। कौन कह रही हैं? जो शुलभा दूसरी शिक्षिका के पास गई है शारदा जी के पास, वो कह रही हैं शुलभा कक्षाम प्रविश्य एकाम मूर्तिम अपश्यत। शुलभा जो है वह अंदर जाती है और एक मूर्ति को देखती है। शुलभा भगवती एषः ऋषिः कः, भगवती मतलब भगवती, एषः मतलब यह, ऋषिः मतलब ऋषि, कः मतलब कौन, तो वो पूछ रही है कि भगवती यह ऋषि कौन है। शारदा जो शिक्षिका हैं वो बोलती हैं एषः भगवान पतंजलिः, एषः मतलब यह, भगवान मतलब भगवान, पतंजलिः मतलब पतंजलि, तो यह भगवान पतंजलि हैं। एषः योग विद्यायाः प्रवर्तकः, एषः मतलब यह, योग विद्यायाः मतलब योग विद्या के, प्रवर्तकः मतलब प्रवर्तक, तो ये योग विद्या के प्रवर्तक हैं। अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेदे वाणी शुद्ध्यर्थम व्याकरणे मनोनिग्रहार्थम च योगशास्त्रे ग्रंथाः लिखिताः। क्या कह रही हैं शारदा जो कि शिक्षिका हैं वो, यह भगवान पतंजलि हैं, एषः योग विद्यायाः प्रवर्तकः, यह योग विद्या के प्रवर्तक हैं। अनेन मुनिना, अनेन मतलब होता है इन, मुनिना मतलब मुनि के द्वारा, शरीरार्थम मतलब शरीर के लिए, आयुर्वेदे, आयुर्वेदे मतलब आयुर्वेद में, वाणी शुद्ध्यर्थम मतलब वाणी शुद्धि के लिए, व्याकरणे मतलब व्याकरण में, मनोनिग्रहार्थम च मन और निग्रह दो शब्द दिए हुए, मतलब मन के निग्रह के लिए, च मतलब और, योगशास्त्रे मतलब योगशास्त्र में ग्रंथाः मतलब ग्रंथ, लिखिताः मतलब लिखे हैं या फिर लिखे गए। क्या कह रहे हैं पूरा देख लेते हैं। यह भगवान पतंजलि हैं, ये योग विद्या के प्रवर्तक हैं, इन मुनि के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण में, और मन के निग्रह के लिए योग शास्त्र में ग्रंथ लिखे गए हैं। पुनः शुलभा बोल रही है, क्या बोलती है, वंदे पतंजलिम, वंदे मतलब नमस्कार, पतंजलिम मतलब पतंजलि जी को, तो पतंजलि जी को नमस्कार करती हूँ। योग कक्षाम अहम किम करिष्यामि, योग कक्षा मतलब योग की कक्षा में, अहम मतलब मैं, किम मतलब क्या, करिष्यामि मतलब करूँगी, तो योग की कक्षा में मैं क्या करूँगी। अब शारदा जो है फिर से बोल रही हैं, आदौ स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम च करिष्यामि। आदौ मतलब होता है पहले, तो यहाँ पर जो शुलभा थी वो पूछ रही है कि मैं योग की कक्षा में क्या करूँगी, तो शारदा जो उनकी शिक्षिका हैं वो बोलती हैं सबसे पहले, आदौ मतलब होता है सबसे पहले, स्वस्तिकासनम मतलब स्वस्तिक आसन, सबसे पहले कौन सा, स्वस्तिक आसन, दूसरे सिद्धासन, फिर पद्मासन च कारयिष्यामि, च मतलब और, कारयिष्यामि मतलब करेंगे, तो क्या कह रही हैं, सबसे पहले स्वस्तिक आसन, दूसरा सिद्धासन, और फिर तीसरे नंबर पर पद्मासन, कारयिष्यामि मतलब कराऊंगी। एतेषाम अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम स्थिरम भवति। एतेषाम आसनेन, एतेषाम मतलब इन, आसनेन मतलब आसनों से, क्या कह रही हैं शारदा कि इन आसनों से, एतेषाम आसनेन मतलब इन आसनों से, एतेषाम मतलब इन, अभ्यासेभ्यः मतलब अभ्यास करने से, तो इनका अभ्यास करने से, एक स्थितौ मतलब एक स्थिति में, उपवेशनम मतलब बैठने की, उपवेशन कहलाता है बैठना,
स्थिरम भवति, स्थिर होता है, मतलब जो मैं यह कार्य करा रही हूँ या फिर जो अपन ये करने वाले हैं, इससे क्या होता है, आप एक बार में बहुत टाइम तक बैठ पाएंगे, इसमें बैठने की स्थिति का अभ्यास होता है, ये कह रहे हैं। तो ये शारदा बोल रही हैं। पूरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले स्वस्तिक आसन, सिद्धासन और पद्मासन कराऊंगी, तब अध्ययन में, काम करने में, प्राणायाम, ध्यान से यहाँ क्या कहा, ये वाली लाइन है, अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम स्थिरम भवति। तो फिर आप एक आसन में स्थिर बैठने लगेंगे जब इन आसनों का अभ्यास करेंगे, तो तदा अध्ययने कार्ये प्राणायामे लेखने च काठिन्यम न स्यात्। तदा, तदा मतलब तब, अध्ययने मतलब अध्ययन में, कार्य मतलब कार्य करने में, प्राणायामे मतलब प्राणायाम में, लेखने च और लिखने में काठिन्यम न स्यात्, कठिनता नहीं होगी। जब आप इन तीनों अभ्यास जो आसन है, तीनों आसन, इन आसनों का अभ्यास कर लेंगे, तो फिर आपको किसी भी कार्य में समस्या नहीं होगी, चाहे वह अध्ययन हो, चाहे कोई कार्य हो, या फिर प्राणायाम हो, या फिर लेखन हो, तो इन किसी भी कार्य में आपको समस्या नहीं होगी। सुलभा, अब सुलभा बोल रही है, रोग निवारणार्थम कहा उपाय, रोग निवारणार्थम, रोग निवारणार्थ मतलब रोग निवारणार्थ कहा मतलब कौन, उपाय मतलब उपाय, तो रोग दूर करने का उपाय कौन सा है। तो शारदा बोलती हैं, कानिचित आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि। कानिचित, कानिचित मतलब होता है कुछ, आसनानि मतलब आसन, उदर रोग के उपचार में, उदर रोगोपचारे मतलब उदर उदर रोग के उपचार में, प्रयुक्तानि मतलब प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ आसन तो ऐसे हैं जो उदर रोग में या फिर पेट के रोग के उपचार के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कानिचित हस्तपादयोः संचालने सहायकानि। कानिचित, कानिचित मतलब कुछ, हस्तपादयोः मतलब हाथों और पैरों के, संचालने मतलब संचालन में, सहायकानि मतलब सहायक होते हैं। और कानिचित संधि रोगम उन्मूलयन्ति। कानिचित मतलब होता है कुछ, संधि रोगम मतलब होता है जो जोड़ लगे हुए हैं शरीर में, वो तो कुछ तो जोड़ों के रोगों को दूर करते हैं, उन्मूलयन्ति मतलब दूर करते हैं। पूरा देख लेते हैं, कुछ आसन उदर के रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं, कुछ आसन जो हैं वह पैर के संचालन के लिए प्रयुक्त होते हैं या फिर हाथ और पैरों के लिए होते हैं, और कुछ जो जोड़ों का दर्द होता है उस जोड़ों के दर्द के लिए होते हैं, दूर करने के लिए होते हैं। अब सुलभा बोल रही है, कः एषः प्राणायामः, किम् एतत् अपि आसनम्। क्या कह रहे हैं, कः मतलब क्या, एषः मतलब यह, प्राणायामः मतलब प्राणायाम, किम् एतत् अपि आसनम्, किम् मतलब क्या, एतत् मतलब यह, अपि मतलब भी, आसनम् मतलब आसन। तो क्या कह रहे हैं, यह प्राणायाम क्या है, क्या यह भी आसन है। तो शारदा बोल रही हैं, फिर से जो शिक्षिका हैं वो, ना नहीं, प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति। प्राणायामेन, प्राणायामेन मतलब प्राणायाम से, श्वासोच्छ्वासम मतलब जो श्वास का उच्छ्वास है वो, श्वासोच्छ्वास, नियंत्रितम मतलब नियंत्रित, भवति मतलब होता है, तो प्राणायाम से श्वास का उच्छ्वास नियंत्रित होता है। अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभः। अनेन मतलब होता है इससे, हृदय रोगे मतलब हृदय रोग को, नासिका रोगे मतलब नासिका रोग को, और श्वास रोगे च, और जो सांस का रोग है उस सांस के रोग से भी क्या होता है, लाभः भवति, उस रोग को भी लाभ मिलता है। तो शारदा बोल रही हैं, पहले प्रश्न पूछा था सुलभा ने, यह प्राणायाम क्या है, क्या यह भी आसन है। तो शारदा बोले, नहीं, प्राणायाम तो कैसे,
प्राणायाम से श्वास का उच्छ्वास नियंत्रित होता है, और इससे क्या होता है, इससे हृदय रोग, नासिका रोग, श्वास रोग में लाभ होता है, इन रोगों में लाभ होता है। आगे क्या कह रहे हैं, सवासनम योग निद्राम च मनः शांत्यर्थम क्रियते। क्या कहा, सवासनम मतलब सवासन, च मतलब और, योग निद्रा मतलब योग निद्रा, मनः मतलब मन की, शांत्यर्थ मतलब शांति के लिए, क्रियते क्रियते मतलब किए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सवासन और योग निद्रा मन की शांति के लिए किए जाते हैं। ततः उत्साह लाभः भवति, इससे उत्साह प्राप्त होता है। उत्साह लाभः मतलब उत्साह बढ़ता है, तो ततः मतलब इससे, इससे उत्साह में लाभ प्राप्त होता है, उत्साह बढ़ता है। भवति शनैः शनैः सर्वं ज्ञास्यति, भवति मतलब आप, शनैः शनैः मतलब होता है धीरे धीरे, सर्वं मतलब होता है सब कुछ, ज्ञास्यति मतलब जानेंगी, आप धीरे धीरे सब कुछ जानेंगी। सर्वं एतत् गुरोः निर्देशने करणीयम्, सर्वं मतलब सब कुछ, एतत् मतलब यह, गुरोह मतलब गुरु के, निर्देशन मतलब निर्देशन में, करणीयम मतलब करना चाहिए, यह सब कुछ जो है गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। अब पुनः सुलभा बोल रही है, योग कक्षा किमर्थम प्रातः एव आयुज्यते। योग कक्षा मतलब योग की कक्षा, किमर्थम मतलब क्या, प्रातः मतलब सुबह, एव मतलब ही, आयुज्यते मतलब आयोजित की जाती है, तो जो क्या योग की कक्षा है ये सुबह ही आयोजित की जाती है, सुबह ही योग किया जाता है। तो शारदा बोल रही हैं, प्रातः सूर्यः शान्तः, प्रातः मतलब होता है सुबह, सूर्यः मतलब सूर्य, सूर्य शान्तः मतलब शांत, तो सुबह के समय सूर्य शांत होता है। वायुः शीतलः, हवा जो होती है वो ठंडी होती है, शीतल होती है। शरीरम च निर्मलम भवति, शरीरम मतलब शरीर, च मतलब और, निर्मलम मतलब पवित्र, भवति मतलब होता है, और शरीर जो है वो पवित्र होता है, निर्मल होता है। प्रातः कालः सुखकरः भवति, प्रातः कालः मतलब सुबह का टाइम, सुखकरः मतलब सुखकर, भवति मतलब होता है, तो जो सुबह का टाइम है ये सुखकर होता है। योगः प्राकृतिक उपचारः, आगे क्या कह रहे हैं कि योगः मतलब जो योग है ये प्राकृतिक उपचारः, यह तो प्राकृतिक उपचार है। अतः प्रातः कालः योगाय उचितम्, अतः तो क्या कह रहे हैं, प्रातः कालः, प्रातः कालः मतलब प्रातः काल सुबह का टाइम, योगाय मतलब योग के लिए, उचितम मतलब उचित है। पूरा अर्थ देख लेते हैं, प्रातः काल सूर्य शांत, वायु शीतल और शरीर निर्मल होता है, प्रातः का समय सुखकर और योग जो जो प्रातः का प्रातः काल का समय है वो सुखकर होता है, और योग प्राकृतिक उपचार है, अतः प्रातः काल योग के लिए उपयुक्त है, प्रातः काल ही योग करना चाहिए, इस प्रकार से कहा। अब पुनः सुलभा बोल रही है, तर्हि अहम योगाभ्यासाय स्वाहा आगमिष्यामि। तर्हि मतलब तो, अहम मतलब मैं, योगाभ्यासाय योग के अभ्यास के लिए, स्वाहा मतलब आने वाले कल, आगमिष्यामि मतलब आऊंगी। तो क्या कह रही है सुलभा कि मैं अब योग अभ्यास करने के लिए कल सुबह आऊंगी, ये कह रही है। अब पुनः शारदा जो है उनकी शिक्षिका वो बोलती हैं, पुनरागमनाय गच्छतु, गच्छतु मतलब जाओ, भवति मतलब आप, पुनरागमनाय पुनः आने के लिए, मतलब आप जाओ और फिर आना। तो यहाँ पर अपना ये जो पाठ था ये कंप्लीट हो गया, और कुछ प्रश्न हैं तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता हूँ। कः योगस्य प्रवर्तकः, योग के प्रवर्तक कौन है बताना है। एक मूर्ति देखी थी उसने, किनकी देखी थी, महर्षि पतंजलि की, तो यही है योग के प्रवर्तक। आगे क्या कह रहे हैं, केन शरीरम स्वस्थम भवति,
केन शरीरम स्वस्थम भवति, तो किससे शरीर स्वस्थ होता है, तो योग के अभ्यास से शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। श्वासः नियंत्रणम केन भवति, श्वास पर नियंत्रण कैसे होता है, तो प्राणायामेन, अपन ने अभी पढ़ा था ना, प्राणायामेन, प्राणायाम से होता है। आगे क्या कहा, कहा कालः योगाय उचिता, उचितः कौन सा समय जो है वो योग करने के लिए ठीक है, तो बताना है आपको प्रातः काल। योग निद्रा किमर्थम क्रियते, योग निद्रा किमर्थम क्रियते, जो योग निद्रा है वो किस लिए की जाती है, तो मन शांत करने के लिए, किस लिए की जाती है, मन को शांत करने के लिए। हाँ, एक और अगला प्रश्न है, अभी एक वाक्य में लिखना है, आप लोगों को बताना है और इन प्रश्नों के उत्तर। आद्यम धर्म साधनम किम, आद्यम धर्म साधनम किम, मतलब आदि का धर्म साधन क्या है, तो शरीर, मतलब पहला धर्म साधन क्या है, शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये लिखना है। योगेन किम स्वस्थम भवति, योगेन किम स्वस्थम भवति, तो योग से क्या स्वस्थ होता है, बताना है, तो योगेन शरीरम चित्तम स्वस्थम भवति, शरीर और मन जो है वो स्वस्थ होता है। स्वस्थे शरीरे किम शुकरम, स्वस्थे शरीरे किम शुकरम, ध्यान से आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताना है, तो स्वस्थ शरीर से क्या अच्छा होता है, तो स्वस्थ शरीर से क्या, ये आप हटा दें, पहले से लिखे हुए हैं, मैंने जहाँ से ये पुस्तक ली थी जिनकी उनके हैं, तो जो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर से क्या सुकर है, तो अध्ययन करना अच्छा है उसमें, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपन अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। योग शास्त्रम किमर्थम प्रवर्तितम, तो योग शास्त्रम किमर्थम प्रवर्तितम, तो मनोनिग्रहार्थम, मतलब मन का निग्रह करने के लिए, मन को वश में करने के लिए जो योग शास्त्र है उसका प्रवर्तन किया गया। सुलभा कश्य मूर्तिम अपश्यत, सुलभा ने किसकी मूर्ति देखी थी, आपको बताना है, महर्षि पतंजलि की। यहाँ आपको ये भरना है, उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्प भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए पहला जो है, सम्यक अन्न पचनम नास्ति, उसने कहा था ना मेरा अन्न जो है वो अच्छी तरह से नहीं पच रहा है। सदैव शुद्धा भावः अस्ति, ये वाला हो गया। तीसरा सुलभा योगम, योगम के बाद क्या आएगा, करिष्यति, सुलभा योगम करिष्यति, शारदा योगम कारयिष्यति, शारदा जो है वो करा रही थी योग, ये कर रही थी। पतंजलि ही शरीर स्वास्थ्यर्थम अरचत, क्या रचना की उन्होंने, तो आयुर्वेद की रचना की। पतंजलि ही वाणी शुद्ध्यर्थम अरचत, वाणी शुद्ध करने के लिए व्याकरण की रचना की। तो इस प्रकार से इनके लकार, ध्यान से लकार लिखना है, इनके लकार के अनुसार लिखना है। हाँ, अधोलिखित पदानी लकार अनुसारम लिखत, लकार के अनुसार लिखना है। तो लंग लकार दिया हुआ है, लट लकार दिया हुआ है और लट लकार दिया हुआ है, तो इनके अनुसार जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उनको लिखना है कि कौन से किसका किस लकार का शब्द है। जैसे लंग लकार है, तो लंग लकार का अपन यहाँ पर छांट लेंगे, अलग अलग रंग से भर लेंगे। सबसे पहले रेड कलर से भर लेते हैं लंग लकार, तो जो लंग लकार है भूतकालिक है, तो जहाँ आगे आ आएगा वो इसमें आएगा। तो भूतकालिक कौन कौन से हो जाएंगे, एक आसी, आगे और देखें और कहाँ पर है, एक अकरोत भी है, आगे और कौन सा है, और एक अपश्यत है। ये हो जाएंगे अपने लंग लकार के। अब चलते हैं, कौन कौन से अपन ने लगाए थे अभी यहाँ, एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूँ, एक आशी लगाया था, एक अपश्यत लगाया था और एक अकरोत लगाया था, ये वाला। अब देख लेते हैं एक और दूसरा, तो दूसरा कौन सा है, लट लकार, लट लकार के कौन से, एक है भवति, दूसरा कौन सा है, भवति के बाद ध्यान से देखना है संभवति, और अगला एक और देखें कौन सा दिख रहा है, और कोई है इसमें, इक्षामी भी है, और कौन सा दिख रहा है लट लकार में, उन्मूलयंती, ये वाले। तो इतने यहाँ पर दिख रहे हैं चार। अब चलते हैं अगले पर, अगला है तीसरा नंबर का, जो कि ये है लट लकार वाला, लिट वाला, लिट।
तो जो बचे हैं वो लृट के हो जाएंगे, करिष्यति, आगमिष्यति और ज्ञास्यति। इस प्रकार से आगे क्या कहा, कृदंत शब्दान पश्य रक्त स्थानम पूरयति। यहाँ पर रक्त स्थानों की पूर्ति करना है इन शब्दों को छाट करके। अब यहाँ फिर से प्रश्न निर्माण करना है, आप लोगों को करना है। यहाँ जो ये दिया हुआ है इनको अपन मिला लेते हैं। उचित मेलनम कुरु, उचित मेलन करना है। तो कर्ता, चिंतक, सेवक, स्वस्थ और कठिन, ये इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। तो कर्ता का क्या होगा, कर्तृत्वम। चिंतक का क्या होगा, चिंतक। चिंतक का क्या, चिंतक का मतलब चिंता हो जाएगा, दिया हुआ है कहीं पर चिंता, हाँ ये दिया है। सेवक, सेवक का काम क्या है, सेवा करना है। शांत का क्या है, शांति है। स्वस्थ का स्वास्थ्य है और कठिन का काठिन्य है। तो ये शब्द मिल जाएंगे। अब इनका अधोलिखित रूपाणाम लकार वचन पुरुष लिखत, इनका लकार और वचन और पुरुष लिखना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू लंग लकार के दिख रहे हैं, ये भी लंग लकार का है, ये भी लंग लकार का है और ये भी लंग लकार का है। और ये जो दोनों हैं ये हैं लट लकार के, ये है लंग लकार के और ये लट लकार के। अब यहाँ पुरुष बताना है तो आसी है में तो मध्यम पुरुष है, और उत्तम पुरुष है आशम में, और अस्थि में प्रथम पुरुष है और संति में भी प्रथम पुरुष है। अस्थि स्तः संति बनता है ना। अब यहाँ पर देखें ये भी एक वचन है, आसी भी एक वचन है, आसम भी एक वचन है, अस्थि भी एक वचन, संति बहुवचन है अकेला। योगासनानाम लाभान लिखत, योगासनों के लाभ लिखना है आपको यहाँ पर। जो जो भी आपको लाभ पता हो योगासनों से क्या क्या लाभ होते हैं अपने शिक्षक से पूछें और यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। आज अपना ये पाठ जो है वो कंप्लीट हो गया, 20वां पाठ। अब पुनः जो कि अगले एक पाठ पर चलेंगे जो भी अपना कंप्लीट नहीं हुआ होगा।